शुरू करते हैं। ज्योति जी, आप बहुत आगे के लेवल पे जा रहे हो, अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी ये किन किन चीजों पे वर्क करेगा, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जस्ट कंफर्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। यहाँ पर जब भी हम कभी इस टाइप की हीलिंग्स करते हैं, इस टाइप की क्या, किसी भी तरह की, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें भगवान का आह्वान करना, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, राइट? भगवान का आह्वान करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। उसी तरह से जब हम यूनिवर्सल एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं या उनको लेते हैं, रिसीव करना है, तो सबसे पहले उन्हें जागृत भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम इसको कहते हैं इन्वोकेशन। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, हम सबसे पहले इन्वोक करते हैं एनर्जीज को, फिर उनको अपने अंदर लेते हैं और फिर उनके थ्रू हीलिंग्स करते हैं। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है? ये हम जब करेंगे एक्चुअल प्रोसेस तब इसको करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हमारा जो ऑरा होता है, ऑरा हमारा क्या होता है? स्क्रीन चल रही है, चलने दीजिए, बट आप थोड़ा सा मुझे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर इंसान की एक बॉडी होती है एंड इट इज लाइक इन एन अंडाकार शेप, है ना? ओवल शेप में अगर हम इस तरह से देखें तो कंप्लीट ओवल शेप में एक इंसान की बॉडी आ जाती है, आती है, राइट? अब ये जो हमारा जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, इससे राउंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर या 2.25 सेंट वो ले लीजिए फीट, दैट इज 2.25 फीट के करीब हमारा ऑरा लास्ट होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको बाइफर्गेट करूं 5 पॉइंट्स में, तो कितना हो गया अप्रोक्स समथिंग? आप अगर 0.5 0.5 0.5 भी कर सकते हो इसको एक अंदाज से, या उससे थोड़ा सा कम, 10 10 पॉइंट कम कर लीजिए, ठीक है? तो हर एक ऑरा हमारा, एक तरह से कहा जाता है कि 5 हमारे आसपास सर्कल्स। ओके, तो ये जो 5 सर्कल्स होते हैं, इनमें रेनबो कलर्स होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? उसके अलावा एक ऑरा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास से कोई चला गया तो हमको एकदम से फीलिंग आ जाती है क्योंकि वो हमारे ऑरा को टच करता है। उसी तरह से हमारे चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मैं देखती हूँ, मैंने एक्चुअली वो स्क्रीन हटा दिया था, सो अदरवाइज जिसमें ऑलरेडी ये सारे ऑरा और चक्रास के बारे में डिटेलिंग है। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, यहाँ देखिएगा, आपको सबको एक स्क्रीन दिख रहा होगा आपके सामने, जिसमें ऑरा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। एक्चुअली लाइफ फोर्स जो मैं, जिसकी बात कर रही हूँ आप लोगों से, कि हम जो हीलिंग प्रोसेस करेंगे यूनिवर्सल का, या यूनिवर्स से जो हम एनर्जीज लेंगे,
वो कैसे आपकी बॉडी में एंटर होंगी, सबसे पहले हम उस चीज को क्रैक करते हैं, ठीक है। तो ऑरा होता है हमारा, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें अनहेल्दी और हेल्दी ऑरा है। स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ये जो है हमारा, आप देख रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक ऑरा बना हुआ है एक इंसान के आसपास। ये इस टाइप का ऑरा हमारा होता है, ये मशीन के द्वारा दिया गया एक फोटो है। जब रीडिंग होती है तो इस टाइप से पिक्चर आती है। अब अगर जो है अनहेल्दी ऑरा होता है, वो इसके पास दिया हुआ है, आप देखेंगे टूटा फूटा सा है, और जो हेल्दी ऑरा है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑरा, आप थोड़ा सा समझने के लिए इस चीज को कि हमारा ऑरा किस तरह का होता है। हम इसकी और ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। चक्रास, चक्रास क्या होते हैं? 7 चक्रास हैं, ये हम सबको पता है। अलग अलग मोडालिटीज में अलग अलग और ऐड होते जाते हैं चक्रास, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया होगा ऑलरेडी, जैसे यहाँ ये रूट चक्रा है, सबसे नीचे रूट होता है, उससे ऊपर सेक्रल होता है, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सिस है, फिर हार्ट है, देन योर थ्रोट, देन थर्ड आई एंड क्राउन। हार्ट चक्रा मिडिल में होता है, उसके ऊपर 3 होते हैं और बीच और नीचे 3 होते हैं। और जब ये ऊपर के 3 और नीचे के 3 जब बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। वो बैलेंस करता है दोनों चक्रास को, दोनों साइड के चक्रास को, मतलब ऊपर के और नीचे के। इनकी प्लेसमेंट्स इस तरह से होती है, ये आप देख लें। रूट चक्रा, जिसको मूलाधार भी कहा जाता है, सबसे नीचे होता है, जहां हम बैठते हैं, जो हमारी सीट होती है, जो टच होती है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्रा होता है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान होता है, ठीक है, नाभि से 3 इंच नीचे, सॉरी 2 इंच नीचे। सोलर प्लेक्सिस नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। फिर हार्ट चक्रा यहाँ मिडिल में होता है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ होता है। क्राउन चक्रा दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जहां हम बिंदी लगाते हैं। और क्राउन चक्रा जो है वो ऊपर होता है, लेकिन हमारी स्किन से टच नहीं होता है, हमारे हेड से टच नहीं होता है, हमारे हेड से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये इसकी प्लेसमेंट्स होती है। अब आपको ये सब बताने का एक मतलब है, क्योंकि आज मैं आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रही हूं, दैट इज कोशास। हमें ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है।